भारत सरकार के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर विशेष रूप से वन विभाग द्वारा बाघ संरक्षण कार्यक्रम 1 से 7 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। बाघ संरक्षण हेतु नियंत्रण कार्य संस्था NTA द्वारा सप्ताह के अंतर्गत देश के 51 टाइगर रिजर्व जन जागरूकता के लिए आयोजित की गई है। दो प्रदेश सहित मिलकर रैली संचालित की जा रही है, जो कि एक सप्ताह तक आयोजित होगी, जिसमें 1973 के टाइगर रिजर्व अधिनियम के अंतर्गत 9 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए थे, उन सभी जगह से होते हुए ये रैली प्रदेश भ्रमण कर रही है एवं इन सभी कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। NTA कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 टाइगर रिजर्व ये रैली 1 अक्टूबर से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ से पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व से संजय टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से पेंच टाइगर रिजर्व से होते हुए आज नैनपुर पहुंची, जिसके बाद ये नैनपुर से होते हुए कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचेगी। ये यात्रा बेसिकली आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए NTCA की तरफ से इंडिया फॉर टाइगर्स रैली ऑन व्हील्स शुरू की गई थी, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से शुरू होकर कल 4 तारीख को सतपुड़ा से होते हुए पेंच पहुंची थी। आज 5 तारीख को हम लोग पेंच से लेके कान्हा में ला के हैंड ओवर किए हैं। अब आगे कान्हा में जाके 7 तारीख को कान्हा में फाइनल प्रोग्राम होगा। इसका यही बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, बाघ संरक्षण जब करेंगे तो उसके साथ पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको सुरक्षित करना, और उसके लिए जगह जगह स्कूलों में बच्चों के साथ रैलियाँ करके उनका शपथ ग्रहण कराते हुए हम लोग आ रहे हैं। तारीख से शुरू हुई थी, 7 तारीख को ख़त्म हुई। भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से माननीय आरंभ किया है। उसी कड़ी में जो वन विभाग है और विशेष रूप से हम जो टाइगर रिजर्व हैं, इनके लिए हमारी जो नियंत्रणकारी संस्था है NTCA, उसने एक कार्यक्रम इस वीक में जो वन प्राणी संरक्षण सप्ताह होता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, उसमें आयोजित किया है। इसमें पूरे देश के जो 51 टाइगर रिजर्व हैं वहाँ से रैलियाँ जन जागरूकता के लिए आरंभ की गई हैं, और हर प्रदेश या दो प्रदेशों को मिलाकर रैली चलेगी, और पूरे 6-7 दिन का कार्यक्रम करते हुए वो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 9 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए थे उन स्थानों पर ये रैली समाप्त होगी, और वहाँ पर भी जागरूकता, जन जागरूकता और अवेयरनेस के संबंध में प्रोग्राम किए जाएंगे। सर, ये मध्य प्रदेश की रैली है, मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं, और यहाँ पे जो कार्यक्रम बनाया गया था NTCA के द्वारा, उसमें 1 अक्टूबर को ये बांधवगढ़ से आरंभ हुई थी, बांधवगढ़ से संजय टाइगर रिजर्व गई, संजय टाइगर रिजर्व से ये रैली पन्ना टाइगर रिजर्व गई, पन्ना टाइगर से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व गई, और सतपुड़ा से कल ये रैली पेंच में पहुंची थी, और पेंच टाइगर रिजर्व से आज आरंभ होकर यहां आ रही है, जो आज हम इसको खटिया तक कान्हा नेशनल पार्क के स्थान तक ले। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए नैनपुर से विनय नामदेव की रिपोर्ट।